बाराबंकी के विकास खंड सिरोगौली गोसपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मधवापुर में कक्षा 6 के दिव्यांग छात्र आकाश के हौसले की अब मिसाल दी जाने लगी है। दरअसल जन्म से ही आकाश के दोनों हाथ नहीं हैं। आकाश का एक पैर भी न के बराबर ही है, लेकिन फिर भी आकाश केवल एक पैर से दुनिया को अपने सामने नतमस्तक करने का जज्बा रखते हैं। पैर से कलम पकड़कर आकाश खुद के भविष्य गढ़ रहे हैं। सिरोगौली गोसपुर तहसील के राजापुर गांव के निवासी हरिकेश के पुत्र, उनका कहना है कि जैसा उनका नाम है वह ठीक उसी आकाश की तरह बुलंदियों को छूना चाहते हैं। आकाश के अंदर दिव्यांग होने का कोई भी मलाल नहीं है, बल्कि आकाश कहते हैं कि वह सारा काम बाकी लोगों से अच्छा कर सकते हैं। बचपन से ही आकाश दोनों हाथ और एक पैर से दिव्यांग हैं। ऐसे में आकाश ने सभी काम अपने एक पैर से करना सीख लिया। आकाश एक पैर से मोबाइल भी चलाते हैं। आकाश का कहना है कि उन्हें कभी अफसोस नहीं होता कि वह दोनों हाथ और एक पैर से दिव्यांग हैं। आकाश ने बताया कि वह अपने एक पैर से भी वो सब कुछ कर लेते हैं जो हाथ से किया जाता है, जैसे अपने एक पैर से लिखना, पढ़ना, खेलना और मोबाइल चलाना। आकाश का कहना है कि जब इंटरनेट पर प्रतिबंध नहीं था तो वह अपने दोस्त के साथ एक अकाउंट बनाकर पैर से ही खाना खाने और लिखने का वीडियो टिकटॉक पर बनाता था। आकाश ने बताया कि उसके वीडियो को टिकटॉक पर करीब 23 लाख यूजर्स ने देखा है। नाम क्या हो? आकाश। आकाश का मतलब क्या होता है? तुम भी आकाश कितने ऊंचे हो गए? अच्छा, पढ़ना लिखना अच्छा लगता है? अच्छा, और घर में कौन कौन है? भाई है, तीन भाई हैं, मम्मी है और पापा। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती पढ़ने लिखने में? मन लगता है, अच्छा लगता है? सबसे अच्छा क्या पढ़ने मिलता है? अच्छा, और मोबाइल वाला सुना चलाते, टिकटॉक बनाते थे? कितना लोग देखते थे वीडियो? कितना देखते थे? 16 करोड़ लोग देखना तो 23 लाख लगता है। 23 लाख? अच्छा, कहाँ बना रहे हो वीडियो में? बड़े होकर क्या बनोगे? फौजी। फौजी क्या करता है पता है? अच्छा, तो कौन बताए इसकी फौजी बनना तुमका? फौजी अच्छा, कैसे पता कि अच्छा लगता है? नहीं, कहीं देखे होगे ना कि फौजी? कहाँ देखे? अच्छा, पुलिस बता रहे हैं? अच्छा, खेलते हो? सबसे अच्छा क्या खेलते हो? अच्छा, तो घर में क्या करते हो जब स्कूल से जाते हो? सर जी अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे? और बताओ कुछ अपने बारे में, क्या अच्छा लगता है तुमको? अच्छा, घर पे पढ़ते हो? मेहनत करो कब? कितनी देर पढ़ते हो घर में? पढ़ते हो? पढ़ना अच्छा लगता है? मेहनत करोगे, पढ़ लिख के काबिल बनोगे? अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है देश का अपने यहाँ? नरेंद्र मोदी। अच्छा, जानते हो उनको? अच्छे लगते हैं? कहाँ देखा? अच्छा अच्छा, और मुख्यमंत्री अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। उनको कहाँ देखा? न्यूज़ में देखा।
अच्छा मिलना चाहोगे उनसे? हैं तो मिलोगे तो क्या कहोगे उनसे? हैं बताओ, अगर मान लो नरेंद्र मोदी जी आ जाएं या योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आ जाएं और मिलें तुमसे, तुम क्या कहोगे उनसे? हैं कुछ तो कहोगे? हैं अच्छा अच्छा लगेगा मिलके, और पूछेंगे क्या करना है, कैसे हो, बताओ क्या करें तुम्हारे लिए, तो क्या कहोगे उनसे? हैं कितने बड़े हो भाई बहनों में, कौन बड़ा है, तुम बड़े हो? सबसे बड़े भाई हैं हम। सबसे बड़े हो भाइयों में, उसके बाद कौन है? अच्छा तो भाई लोग लड़ते तो नहीं है तुमसे? पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? हरिकेश। अच्छा ये बच्चा आपका है, क्या नाम है? आकाश। आकाश कैसा पढ़ने लिखने में है, और घर में कैसे आप लोग रखते हैं इसको, क्या? ऐसे खिलाते पिलाते हैं और पढ़ने लिखने में ठीक है। दिव्यांग है, कोई परेशानी इसको? परेशानी काम जो ना कर पाता हो? नहीं, काम तो सब कर लेता है, घूमता फिरता है और खेलता रहता है। पढ़ने लिखने में कैसा मन लगता है? हाँ पढ़ने में मन लगता है। ये कह रहा हम बड़े होकर पुलिस बनेंगे जी। आप लोगों से भी कहता है जी? तो क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसको? पढ़ाएंगे। और घर में कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं इसको लेकर। अच्छा बाकी छोटे हैं? बड़े बाकी सब छोटे हैं। तो ये सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा यही है। तो ये बाकी लोगों के साथ खेलता कूदता है? हाँ खेलता कूदता है, सबके साथ रहता है। मम्मी इनकी? मम्मी इनके घर पर। क्या खास बात है जो तीनों में नहीं है और इसमें? अब खास बात तो दिख ही रही है, जब इसके हाथ ही पैर नहीं है शुद्ध, तो खास बात तो सीधी दिख ही रही है। नहीं मतलब हाथ पैर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि इसके हाथ पैर नहीं है? अरे लगता नहीं है, लेकिन मतलब है नहीं तो दिखते हैं, बाकी बस लगता तो नहीं है, बाकी खेलता फिरता है, घूमता रहता है। खाली लाइफ में ज़्यादा रुचि है इसको? और इसको पढ़ने में ज़्यादा रुचि है बस, और बस घूमता रहता है बस। क्या करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा जैसे ही आगे पढ़ना चाहेगा तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार आपकी मदद करे, आपके बच्चे की मदद करे पढ़ाई लिखाई में जी। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मदद करना चाहेंगे? सरकार से कहाँ आप मदद मांगना चाहते हो भाई, वहाँ बच्चे के लिए? बच्चे के लिए पढ़ना लिखना, और क्या मांगना चाहते हैं बाकी? तो बस और क्या मांगना चाहते हैं? सर क्या नाम है? नूर हसन। अच्छा ये जो बच्चे आप क्या है आकाश, कैसा है पढ़ने में और क्या खास बात देखते हैं इसमें आप? पढ़ने में अच्छा है सर, इसमें एक्टिविटी कुछ एक्स्ट्रा रहती है अन्य बच्चों से, और कुछ अलग इसको करने की तमन्ना है इस जीवन में, तो उसको हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो भी क्षमता है उनका हम पूरी तरह से विकास करें। अच्छा सुबह जब आता है पढ़ने, और जितनी देर स्कूल चलता है क्या खास देखते हैं इसमें, एक्टिविटी क्या करता है पढ़ने से? ये हर समय एक्टिव बना रहता है, ये इसकी खास बात है, और कुछ जानने की इसकी अलग ही जिज्ञासा बनी रहती है। अच्छा पढ़ने लिखने में कैसा सर? पढ़ने में ठीक है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से है इसलिए अंग्रेजी में थोड़ा दबता है, और बाकी अन्य भाषाओं में ठीक है। अच्छा मतलब और बच्चों की तरह पढ़ने में लिखने में और मतलब कुछ अलग देखते हैं, या किसी तरह से मतलब ऐसा तो नहीं लगता है उसको कि हम? नहीं नहीं किसी तरह की इंफ्लाटी नहीं महसूस करता है, और उसे अच्छा ही रहता है हर बच्चों से, और उसे जानने की समझने की क्षमता भी ठीक है, मतलब मानसिक लेवल में उसकी कोई कमी नहीं है, वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा अक्षम है वो तो अलग की बात है, लेकिन पूरी तरह से अपने को अक्षम महसूस नहीं करता है ना, हम लोग उसको किसी तरह की असमता महसूस करने के लिए कुछ कहते भी हैं, बल्कि उसको यही प्रेरणा दी जाती है कि वो किसी से कम नहीं। अच्छा जैसे वो बड़ा हो के कह रहा है कि मैं फौजी बनूंगा, पुलिस में फौजी बनेगा, इसके बाद और एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें कहा था मैं दरोगा बनूंगा। अच्छा कहता फिर दरोगा बनकर क्या करोगे? तो मैं चोरों को पकड़ूंगा। ये उसकी जो सिक्योरिटी की प्रति ज्यादा उसकी लालसा दिखने को मिलती है। सबसे खास बात बच्चे में क्या देखते हैं? सबसे खास बात है वो कुछ सीखने के प्रति ज्यादा जागरूक रहता है जी, और एक्टिव भी बना रहता है, किसी तरह से उन्हें किसी तरह की इंफ्लाटी नहीं महसूस करता। अच्छा घर में कैसा माहौल है बच्चे के, माँ बाप से आप मिलते होंगे? ग्रामीण माहौल है थोड़ा, घर में पढ़ने लिखने का माहौल कम है, खेती किसानी टाइप के लोग हैं,
लेबर टाइप के उसके माता पिता हैं, तो उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि बच्चे को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन स्कूल भेजें और जो भी कापी किताबों की व्यवस्था है पूरी तरह से करें। बल्कि ये भी इनसे इनके गार्जियन को खास बात ये बताई गई कि इसके बाद जो हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ सरौली गौसपुर में वो लगा था हैंडीकैप्ट का कैंप लगा था, उसमें इनको भेजने के लिए कई बार कहा गया, बड़ी कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि कोई घर से बाहर निकल ही नहीं सका, तो कैंप भी कैंसिल हो गया और नहीं बन सका। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सीएमओ ऑफिस बाराबंकी में जाकर किसी भी तरह से जैसे भी उसका अगर ये हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसको सरकारी अन्य सारी सुविधाएँ भी मिल सकती हैं, इसलिए हम लोग पूरी तरह से इसको प्रेरित कर रहे हैं कि गार्जियन को भी अब स्वयं तैयार। मेरा नाम राजन तिवारी। अच्छा, ये कौन सा स्कूल है, आप यहाँ पे किस पद पे हैं? क्योंकि कंपोजिट विद्यालय पहले हमारा जूनियर प्राइमरी अलग था, एक ही में कंपोजिट कर दिया गया, इसलिए हम इसको उच्च प्राथमिक विद्यालय मधुबा बोल लिखते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ शहर के पैकेज? जी सर, मैं ये जो आपका एक स्टूडेंट है आकाश जी, है ना, ये दिव्यांग है, पढ़ने लिखने में कैसा है और बाकी बच्चों से अलग है या क्या कहना चाहेंगे? सामान्य बच्चों की तरह एक में पढ़ता है, बाकी ये है कि वो कठिनाई महसूस नहीं करता है, जो भी है बढ़ चढ़ के सबके साथ रहता है और पढ़ता है, बहुत अच्छा है। मतलब एक स्कूल में ऐसा माहौल तो नहीं बनता उसके लिए कि मतलब वो कुछ काम नहीं कर सकता? नहीं सर, ऐसा कोई माहौल नहीं है, अन्य बच्चों से अच्छा करने की सोचता है। तो आप लोग कैसे मोटिवेट करते हैं उसको, जब कभी कभी कार ऐसा हो कि ना कर पा रहा हो कोई काम और आप लोग उसको मोटिवेट करते हैं? ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, बाकी जो भी है जरूर पड़ती तो पूछता है कि ये ऐसे है कि ये कैसे होगा, जो भी होता है बताते हैं। अच्छा।